सचिन पायलट के दिन लगता है पलटने वाले हैं, या यूं कहें कि उनके अल्टीमेटम का असर होने लगा है। रंधावा के सुर अब जरा बदले बदले हैं, लेकिन बात अगर अल्टीमेटम की ही है तो रंधावा तो सिरे से नकार गए कि आलाकमान को कोई नोटिस ही नहीं मिला। खैर, सचिन के प्रति प्यार फिर से थोड़ा जगा है, उमड़ने लगा है। ये उनके लिए सकारात्मक संकेत हो सकता है। इसलिए हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली में होने जा रही कांग्रेस की बैठक में सचिन पायलट भी हिस्सा लेंगे। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने साफ कर दिया है कि किसी को शको शुभा नहीं होना चाहिए कि हम पायलट को नहीं बुला रहे। पायलट हमारे नेता हैं और उन्हें भी बैठक में बुलाया जाएगा। रंधावा ने कहा कि जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां की स्थिति पर चर्चा के लिए ये बैठक बुलाई गई है। गहलोत पायलट के झगड़े पर बोलते हुए रंधावा ने कहा कि जिसके घर में कुछ होता है वहीं पर झगड़ा होता है, जिसके पास कुछ है ही नहीं वो किस बात पर लड़ेगा। सचिन पायलट के अल्टीमेटम देने के सवाल का भी रंधावा बड़ी ही साफ गोई से जवाब दे गए। रंधावा ने कहा कि सचिन पायलट ने कांग्रेस वाला कमान को तो कोई अल्टीमेटम नहीं दिया है, जिसे दिया है तो वो जाने, उसी से जाकर पूछ लीजिए। चार स्टेट से राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है। ये चारों स्टेट्स की जहाँ इलेक्शन है वहाँ इनको बुलाया गया और इलेक्शन के बारे में कैसे क्या क्या करना है वहाँ चर्चा हो। ऑल बाउंड स्टेट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस है, इन फाइटिंग सबसे बड़ी आपकी दिक्कत है, कैसे दूर करेंगे? जिस पार्टी में जिस घर में कुछ है लड़ाई भी वही होती है, जिनके घर में कुछ नहीं है तो वो दाने कौन लेने आएगा, ठीक है ना। इसके लिए ये बहुत हम सब कंट्रोल करेंगे। सर, क्या सचिन पायलट को भी बुलाया गया है इस मीटिंग में? नहीं, आपको शक है? शक है सर, यही शक। कांग्रेस को सचिन जी ने आज तक कभी अल्टीमेटम नहीं दिया। अगर कांग्रेस का अल्टीमेटम है तो मैं आपका झूठ जवाब दे दूँ। तो अल्टीमेटम किसको दिया वो ही जवाब दे सकते हैं। उन्होंने किसको कहा है अल्टीमेटम? अगर हाईकमांड का अल्टीमेटम है तो मैं अभी जवाब दे दूँगा, अगर नहीं है तो फिर मैं क्या उसका जवाब दूँ? तो मेरे को अभी अल्टीमेटम ही नहीं आया। ऐसे ही करेंगे, और सिर्फ राजस्थान की मीटिंग नहीं, चार स्टेट्स की मीटिंग।